नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट वाले पनीर पुलाव बनाएंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बस आपको चावल बॉईल करके रखने हैं और उसके बाद आप इसे तुरंत बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप घी भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से गरम करें। और इसमें हम जीरा तड़काएंगे और जैसे ही जीरा इसमें कुक हो जाए, हम इसमें डायरेक्ट ही पनीर डाल देंगे। तो छोटे छोटे से पीस करने हैं पनीर के और गैस को फुल रखना है फ्लेम को, और इसमें 3-4 मिनट पनीर को कुक करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए और पनीर में नमक चला जाए। अब देखिए, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है मैंने और ये हम किचन किंग मसाला लेंगे। आप इसे डालिए और इससे मिला लीजिए। इसके बाद जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं वो इसमें हम डालेंगे, और थोड़ा सा नमक चावल के लिए। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये सामान आप अपनी क्वांटिटीज के, आप कितना पनीर और कितना चावल ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे ये चावल बनेंगे, आप बनाकर देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। अब थोड़ा सा सिर्फ इसमें धनिया डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब धनिया डालने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही क्विक, आपने देखे, सिर्फ 5 मिनट में हमारे चावल रेडी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे पनीर पुलाव बनाए हैं। आप बनाकर देखिए, आप खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी है। घर में ही बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।